सो वन टॉपिक इज़ फील ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट सो हमने एक प्लेन शीट लेनी है जो कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग है और जिसमें की जो चार्ज है आपका दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यानी कि वो कैसा है कॉन्टिनस है तो यानी कि चार्ज हमने ये बीच में शीट ले ली उसमें एक पॉजिटिव चार्ज हमने देखा है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द शीट और यहाँ से जो इसके एंड्स है वो हमने इस तरह से रफ बताए है ये इंडिकेट कर रहा है दैट मीन्स जो ये आपकी शीट है वो यहाँ नहीं ख़त्म हो रही इनफैक्ट वो कैसी है इनफाइनाइटली लॉन्ग है सो so आपको पता होगा गॉस लॉ में जो भी होता है हमारा हम क्या करते हैं एक गोशन सरफेस क्लोज गौजन सरफेस लेते हैं तो उसी के लिए ये आपका पूरा एक शीट है इनफाइनाइटली प्लेन शीट है उसके चारों ओर आपको एक गोर्जन सरफेस लेना होगा तो ये ब्लैक से जो आपको सिलेंड्रिकल इज योर सरफेस तो ये जो सिलेंड्रिकल पार्ट है एक आपका ये सर्कुलर पार्ट है और ये भी आपका सर्कुलर पार्ट है देखो जितना सर्कल आपका रेडियस का इधर होगा उतना ही सर्कल रेडियस का सेम रेडियस का इधर होगा और इनफैक्ट क्या होगा सेम रेडियस का सर्कल अगर अगर आप बनाना चाहे तो बीचों बीच आप बना सकते हो तो दैट मीन यहां के जो चार्ज की जो भी स्टडी है तो आप आराम से यहां और यहां कर सकते हो वो सेम ही रहेगा सो लेटेस्ट एन प्लेन शीट ऑफ सिग्मा यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी तो ये सिग्मा क्या है आपकी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी है जिसका फॉर्मूला क्यू अपॉन ए भी होता है जो आपने पढ़ा होगा और इसका यूज अब हम करेंगे क्योंकि हम शीट ले रहे हैं उसका कुछ सरफेस है तो उसमें यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज़ होगा सो लेट इस टेक थ्री सरफेसेस क्योंकि थ्री टाइप के आपके पास यहाँ पे गर्जन जो सरफेस है वो तीन टाइप का है आपके पास उसके अंदर तीन टाइप के सरफेसेस हैं तो फर्स्टली मेरे लिए ये वाला जो सर्कल है उसको हमने वन ले लिया और ये वाला जो सरफेस है उसको हमने टू ले लिया और ये वाला सिलेंडर के ऊपर स्मॉल जो सरफेस है उसको हमने थर्ड सरफेस ले लिया तो लेटेड पे यहां पर क्या हो जाएगा फर्स्ट जो सरफेस है उसका लेट इट बी यहाँ पर स्मॉल जो उसका सरफेस है लेट इट बी डी एस हो गया इसका भी स्मॉल जो सरफेस है डी एस हो गया डी ए भी ले सकते हो आप सेम ही है और यहाँ पर भी स्मॉल सरफेस जो है एस हो गया डी एस हो गया एंड लेट लेटर सपोज़ जो ये पूरा सर्कल का एरिया है लेट लेटर सपोज वो एरिया कितना है वो है ए एरिया और जो ये सर्कल है उसका पूरा जो एरिया है वो कितना है वो ए है देखो अब क्या है यहाँ पर हम ये टोटल जो आपका सर्कल है उसका एरिया हम एस भी ले सकते थे जो सरफेस एरिया उसको एस से भी लिख सकते थे हमने इसे टोटल को ए क्यों लिखा है क्योंकि जो आपका सिग्मा का फॉर्मूला होता है सिग्मा जो सरफेस चार डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्यू अपॉन ए से हमने लर्न कर रखा है सो so दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ए ये क्या है तो इसीलिए हमने यहाँ पे जो भी ये सरफेसेस है उसका जो आपका जो ये सर्कल्स है उसका जो पूरा एरिया है उसको टोटल को हमने ए मान के चले हैं तो चलिए फर्स्ट में आप क्या बात आती है जैसे कि आप पहले भी कर चुके हो फर्स्ट जो आपका स्मॉल एरिया है उस पर हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है ड्यू टू दिस इनफाइनाइट प्लेन शीट अब ये प्लेन शीट है इस तरह से इमेजिन करो एक्चुअली ये कैसी है अगर ये ये जो मेरा हैंड है इस इमेजिन करो ये आपकी इस तरह से वर्टिकली ये शीट लगी है और जो ये वाली चीज है इस तरह से जो जो ये ये जा रहा है पेन है वो कैसे जा रहा है आपका वो वर्टिकली वो हॉरिजेंटली जा रहा है यानी कि इस तरह से ये शीट लगी हुई है जो ये गौशन सरफेस है वो इस तरह से जा रहा है और जो शीट है वो वर्टिकली लगी है तो इस तरह से ये आपने इमेजिन करना है थ्री में सो ना एट वन जो आपका सरफेस है वहाँ पर क्या होगा अब यहाँ पर देखो कि जो ये वाली शीट है लेटस्ट टेक यहाँ पे ये वाली शीट है तो शीट के ऊपर क्या लगे है पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव चार्जेस है तो यानी कि अगर शीट ऐसी लगी है तो पॉजिटिव जो चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडिली आउटवर्ड होती है यानी कि बाहर की तरफ होती है सो दैट मीन्स ये आपका गोर्जन सरफेस है तो इसका मतलब जो पॉजिटिव यहाँ पर चार्जेस प्रेजेंट है उसकी वजह से जो फील्ड होगी फील्ड लाइन्स बाहर को निकल रही होगी यानी कि ये रेड से जो मैंने बताया ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो कि इस शीट की वजह से आपकी प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि शीट पर ही आपके चार्जेस हैं तो चार्जेस जो प्रोड्यूस करेंगे वो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे निकल रही होगी यानी कि वो जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड वो यहाँ से लेके ऐसे ऐसे बाहर को ऐसे ऐसे निकल रही होगी तो दैट मीन्स पॉजिटिव की वजह से जो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ को निकल रही है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर को निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बता दी ये बाहर को निकल रही है दूसरी चीज़ देखते हैं हम यूनिट एरिया वेक्टर तो लेटेस्ट सपोज़ हम लिखते हैं एन कैप जो है वो आपका क्या है एक यूनिट यूनिट एरिया वेक्टर है यानी कि जो एरिया है एरिया वेक्टर है उसका जो यूनिट वेक्टर है यानी कि डायरेक्शन देने के लिए जो यूज होगा वो एन कैप है और आपको पता है जो यूनिट एरिया वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन कैसी होती है उसकी डायरेक्शन जो भी आप सरफेस ले रखे हो उससे क्या होती है बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है तो दिस इज़ योर सरफेस और इसके परपेंडिकुलर कैसी होगी इसके परपेंडिकुलर इस तरह से एन कैप होगा यानी कि यूनिट वैक्टर ऑफ द एरिया यूनिट वैक्टर ऑफ द यूनिट फैक्टर ऑफ एरिया इस तरह से बाहर होगा और दोनों के बीच में जो एंगल है हम यहाँ पर देख सकते हैं दिस इज़ योर फर्स्ट एरिया तो यहाँ पर हम एंगल दे सकते हैं कि दोनों के बीच में एंगल थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो डिग्री बिकॉज ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि दोनों के बीच में क्या है एंगल आपका जीरो है दोनों ही पैरेलल हैं सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा अगेन वही चीज़ जो आपका आपकी ये शीट है इसमें पॉजिटिव वेदर भी है तो इसमें क्या होगा ये आपका गौरजन सरफेस है तो यहाँ से आपको पता है यहाँ पर भी पॉजिटिव है इसकी वजह से भी रेडिली क्या कहाँ निकल रही होगी इसकी वजह से भी रेडिली बाहर को ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही होगी जैसे ये रेड से मैंने बता दिया ओके okay, ये बाहर को आपकी निकल रही होगी यानी कि यहां से बाहर को निकल रही होगी तो इस तरफ भी क्या हो रहा है इस तरफ भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर को आपकी निकलती हुई नजर आ रही है ड्यू टू तो दिस शीट तो उसके बाद जो ये आपका सरफेस आपने छोटा सा ले रखा है उसकी वजह से भी यहाँ पर जो एरिया यूनिट एरिया वैक्टर है वो भी परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा यानी कि बाहर को निकलेगा सो दैट मीन्स दोनों चीज़ें आपकी पैलर है सो दैट मीन्स द थीटा इज़ इक्वल टू जीरो डिग्री तो यहाँ पर भी जो थीटा है सेकेंड वाले में वो भी आपका जीरो डिग्री हो गया नाउ कम्स टू द थर्ड थर्ड में आपका क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अब कहाँ होगी ध्यान से देखना चलो पहले हम करते हैं यूनिट एरिया वैक्टर अब यहाँ पर ये यूनिट एरिया वैक्टर एन कैप कैसे होगा परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर टू द सर्फेस यानी कि एन कैप इस तरह से हो गया बट जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसे बाहर को न, निकल रही है टूवर्ड्स दीज एंड यहाँ और यहाँ बाहर को निकलती हुई दिखाई दे रही है यानी कि ये कैसी होगी ये आपकी बाहर को इस तरह से निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी तो यानी कि आप देख सकते हो इस केस में एन एन कैप जो है वो ऊपर जा रहा है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर को जा रही है तो दैट मीन्स ये दोनों जो एंगल है इसका और इसका जो एंगल है वो कितना हो जाएगा वो आपका नाइन्टी हो जाएगा सो दैट मीन्स थीटा इस केस में कितना है नाइन्टी डिग्री है तो ये आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थ्री सरफेसेज थ्री स्मॉल सर्फेसिस हमने लिए बिकॉज हम हमारे पास जो ये गोशन सर्फेसेज सिलेंडर है उसके हमारे थ्री पार्ट्स होते हैं यानी कि थ्री सर्फेसेज होते हैं तो एन कैप इज यूर यूनिट एरिया वैक्टर अब हम बात करते हैं हमने क्या करना है इसकी वजह से जो ये इनफाइनाइट आपकी प्लेन शीट है इसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं हम नेट नेटफ्लैक्स की हम हमेशा ही इस तरह से करते जा रहे हैं पहले भी हमने यही करा था नाउ जो आपका नेट फ्लक्स होगा जो आपका नेट फ्लक्स होगा वो किसके बराबर होगा नेट फ्लक्स का जो फॉर्मूला है आपको ऑलरेडी पता है इंटीग्रेशन और वो क्लोज्ड आएगा क्योंकि आपका गोर्जन जो सरफेस होता है वो क्लोज्ड रहता है और ये कितना हो जाएगा E डॉट डी एस का फॉर्मूला रहता है अब इस इक्वल टू अब क्या हो रहा है आपके पास बिकॉज आपके तीन सरफेसेस है वन टू एंड थ्री सरफेसेस है आप क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे ऑफ द वन इंडिविजुअली पहले वन का इंटीग्रेशन करोगे अब देखो यहाँ पर क्लोज आपने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरे किले है जो कि आपका पूरा गोशन सरफेस जो है वो क्लोज था तो आपने ये क्लोज के लिए क्लोज साइन लगाया अब यहाँ पे ये क्लोज नहीं है ये अलग अलग पार्ट हम ले रहे हैं तो ये सबसे पहले तो इंटीग्रेशन से क्लोज हटाओगे अब यहाँ पर क्या करेंगे अगेन सेम ई डॉट डी एस करेंगे प्लस ये फर्स्ट के लिए हो गया सरफेस सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा अगेन फ्लक्स का वही फॉर्मूला रहता है ई डॉट डी एस प्लस क्या हो जाएगा थर्ड जो सरफेस है थर्ड सरफेस का भी सेम रहेगा ई e. डॉट डी एस तो यानी कि तीनों सरफेसेस के आपके इस तरह से हो गए अब आपको देखना है जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कैसे खुलता है वो कॉस्ट में खुलता है नाउ फर्स्ट के लिए हमने क्या किया ई डॉट डी एस क्या क्या खुला ई डी एस कॉस थीटा तो यहाँ पर कॉस्ट जो थीटा था वो कितना है कॉस जीरो फर्स्ट के केस इसमें कॉस ज़ीरो है प्लस हम सेकेंड का देखेंगे फॉर द सेकेंड क्या हो रहा है ई डी एस एंड द कॉस थीटा कितना है अगेन ज़ीरो तो हमने ज़ीरो लिखा प्लस यहाँ पर थर्ड जो सरफेस आपका है उसके लिए कितना आएगा ई डी एस एंड कॉस नाइन्टी डिग्री बिकॉज थर्ड के लिए देख लो थीटा की जो वैल्यू है वो नाइन्टी डिग्री है ना कॉस नाइनटी ज़ीरो होता है और कॉस जीरो वन रहता है हमारा तो हम क्या करेंगे इसमें अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इंटीग्रेशन के बाहर आएगी क्योंकि ई e यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो सब जगह कांस्टेंट रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सब जगह कांस्टेंट है इसी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल दिया अब इंटीग्रेशन किसकी हुई कॉस ज़ीरो यहाँ पर वन हो गया तो फर्स्ट फर्स्ट सरफेस के लिए मैं यहाँ पर डी लिख लेती हूँ कॉस जीरो वन हो गया प्लस यहाँ पर भी सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा ई e बाहर निकल जाएगा ई e बाहर निकल जाएगा और यहां पर डीएस हो जाएगा यहां पर कॉस्ट नाइन्टी कितना हुआ यहां पर 90 हो जाएगा Now हम क्या करते हैं पर अब जो डीएस है यहाँ पर जो इंटीग्रेशन ऑफ है वो आपके पास कितना है देखो वैसे लिखने के लिए तो आप एस भी लिख सकते थे अगेन मैंने वही बताया क्योंकि हमारा जो सिग्मा का चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला है वो हमने पहले से क्यू अपॉन ए लर्न कर रखा है क्यू अपॉन ए में हमने इसको लर्न कर रखा है तो हम क्या करेंगे कि आप एस की जगह आप ए लिखो तो यानी कि जो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एस है वो एस होना चाहिए था बट आप यहाँ पर ए लिखोगे यानी कि एरिया एरिया आप लोगे ए टर्म से उसे डिनोट करोगे सो so दैट मीन्स क्या हो जाएगा जो ये डी एस है जो आपका ये डी एस है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर भी ए आ जाएगा प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा जो ई e है ई एस सच और डी एस जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू भी ए आ जाएगा तो यहाँ पे ए क्या है एक्चुअल में ये दोनों सेम क्यों है क्योंकि आपके ये सर्कल है ये दोनों आपके क्या है सर्कल है और सर्कल सेम आ, सेम रेडियस के इसका मतलब इसका एरिया भी सेम इसका एरिया भी सेम आ जाएगा तो जो ये एरिया लिखा है वैसे आपको पता होना चाहिए ये ए क्या है ये एरिया एरिया ऑफ सर्कल है एरिया ऑफ सर्कल है सरफेस एरिया ऑफ सर्कल है जिसकी वैल्यू ए की वैल्यू कितनी होती है वैसे आपको पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर रहती है ये ये सब चीज़ें एटलीस्ट आप बेशक यूज ना करो बट आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें ओके okay, नाउ आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई वो आ गई आपकी टू ई ए टू ई आपकी वैल्यू आ गई दैट मीन्स किसके बराबर है कि आपका फ्लक्स की जो वैल्यू है वो आपकी टू ई ए के बराबर है ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई फिर हम क्या करते हैं फिर हम गॉस थ्योरम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है जो आपका फ्लक्स है यानी कि क्लोज इंटीग्रल जो आपका ई डॉट डी एस है ई डॉट डी एस है दैट इज़ इक्वल टू कितना होता है चार्ज इनसाइड द सरफेस जो इनसाइड द सरफेस गोशन सरफेस के इनसाइड जो चार्ज है डिवाइडेड बाय एप्सैलम नॉट तो ये रहता है ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आप क्या देख सकते हो लेफ़्टाइड सेम है आप राइट हैंड साइड को आप इक्वेट कर सकते हो तो आपके पास कितना आ गया टू ई ए टू ई ए इज इक्वल टू क्यू चार्ज इन साइड द जो सरफेस है डिवाइडेड बाय एप्सैलम नॉट तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ गई ई e को एक तरफ रख लो वो कितनी आ जाएगी ई इज इक्वल टू क्यू इन साइड द जो आपका सरफेस है डिवाइडेड बाय अब ए नीचे चले गया टू बी नीचे चले गया तो टू ए एप्सैलम नॉट हो गया ओके okay. नाउ एक और चीज़ क्योंकि हमने इसको किस में लाना है सरफेस चार्ज डेंसिटी में ऑल्सो वी नो दैट जो आप तो जो आपकी सिग्मा होती है सफेद चार्ज डेंसिटी वो किसके बराबर होती है क्यू अपॉन ए यानी कि चार्ज अपॉन एरिया के बराबर रहती है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो चार्ज है और जो आपका एरिया है चार्ज अपॉन एरिया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको सिंपली सिग्मा लिख सकते हैं हेंस हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई ऑफ दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग जो प्लेन शीट है उसकी वैल्यू कितनी आ गई क्यों अपॉन ए की वैल्यू सिग्मा पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन टू एप्सैलम नॉट आ गया तो दैट मीन्स आपकी एप्सैलम uh, सिग्मा के फॉर्म में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई तो ये भी आपका एक फॉर्मूला डिड्यूस हो चुका है अगेन अगर आपको करना है तो एक फॉर्मूला आपका ये है एक फॉर्मूला ये है जिसमें एरिया भी ही आपका आ रहा है एक फॉर्मूला ये है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला में आपका सिग्मा है तो आप चाहो तो इस एरिया की जगह इस एरिया की जगह आप क्या डाल सकते हो आप आ, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू डाल सकते हो ओके okay, तो आपको ये बात का ध्यान रखना है तो यहां पर ये खत्म हो गया थैंक यू सो मच